हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आप सबका स्वागत है शालीमा एक खूबसूरत कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। भाई आगे चले, सुना है क्या हुआ आगे स्टोरी में? तो चलिए सुनते हैं और बताते हैं कि आखिर हुआ क्या जिंदगी। चलिए सुनाते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो क्या होती हैं, अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं होती है, बट उनकी माँ उनसे झूठ बोल चुकी होती हैं, और इधर मीरा की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही होती है। मतलब यू कह ले कि सांसें कब थम जाए बस पता नहीं होता, मगर सिचुएशन वैसा ही कुछ हुआ होता है। अब उनकी माँ ने तो बोल दिया होता है, मगर अब उनको टेंशन होती है कि यदि अगर कुछ होता है मेरा को तो क्या होगा। तो देन अब आगे सुनते हैं क्या होता है। तो हमारी जो मीरा है काफ़ी सिचुएशन में मतलब घिरी हुई होती हैं, या यूँ कह ले कि अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती हैं, ऐसा सिचुएशन होता है। और इधर इनके घर वाले, माँ, अनु सब परेशान होते हैं, और इधर किया कि भी मॉम जो होती हैं वो परेशान होती हैं। गीता वहाँ पे खड़ी होती है, अर्जुन आके बस अभी जस्ट पूछे जा रहे होते हैं। अर्जुन जो होता है बहुत केयरिंग नेचर दिखाते हुए आते हैं, आंटी आंटी क्या हुआ, क्या हो गया, आपने बताया नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं। तब तक उनकी माँ, किया की माँ आती है और उनको देखती है ऐसे पूछते हुए, उनकी मॉम से, मेरा के मॉम से, और वहाँ पे वो गीते से पूछती है ये कौन है। तो गीते कहते कि पता नहीं भाभी, मुझे भी नहीं पता ये कौन है, शायद किया को पता हो। तो अभी वो पूछती हैं कि मीरा की तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कह रहे थे। तो वो कहती हैं कि क्रिटिकल है और सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। भाभी आपने किया से झूठ तो बोल दिया, अगर मीरा को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगी, और मैं अपनी बेटी के लिए, मैं मीरा को जब एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो मैं उसको बचा भी सकती हूँ। ये ज़िद जैसे किया के अंदर मीरा के लिए था, वही जिद उनके अंदर अपनी बेटी के लिए दिख रहा होता है गीता को। और कहती हैं कि अब समझ आया कि किया के अंदर कहाँ से ये जिद आई है। तो कहती हैं कि कुछ कहा, तो कहती हैं कि नहीं नहीं आंटी, कुछ भाभी कुछ नहीं। हाँ, तो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम घर चली जाओ, घर पे खा पी लो और रस कर लेना, मैं यहीं पे रुकती हूँ, मैं देख लूँगी। तो कहती कि कैसी बात कर रही हैं भाभी, कि यह मेरी भी कुछ लगती है और मैं उसको इस सिचुएशन में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। किया इधर मीरा से मिलने के लिए परेशान होती है, जैसे ही होश में आई होती है बस वो किया से, मीरा से मिलना चाह रही होती है, बस ये जानना चाह रही होती है कि क्या, कैसे और क्यों, बस ये चीज़ हो रहा होता है। ज़िंदगी उनकी थमी तो हुई होती है, मगर तकलीफ भी बहुत हुआ होता है। अब अर्जुन उनको बड़ा प्यार और कंसर्न दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पे उस टाइम में कौन किसको क्या बोले क्या ना बोले, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। तो जो वहाँ पे नर्सेस होती हैं और हमारी किया होती हैं, वो किया लेटी हुई होती है आईसीयू में, और उधर नर्सेस बात कर रहे होते हैं कि जो थोड़ी देर पहले लड़की आई थी उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पता नहीं वो बचेगी भी या नहीं। किया बस बातें सुनती हैं पर उस पर ध्यान नहीं देती है। फिर नर्स को बुलाती है और अपने पिलो को ठीक करने के लिए बोलती है कि प्लीज़ कर दीजिए ना, नर्स को बोलती है और पिलो सही करती हैं। तो वहाँ पे किया जो होती है पूछती है कि आप जो बात कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे थे, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है क्या? तो कहते हैं कि हाँ, शायद पेशेंट का नाम मीरा है और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। और
अभी उसको होश नहीं आ रहा है। कुछ घंटों में डॉक्टर ने कहा था कि यदि होश नहीं आया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम नर्स उसको बता देती है और किया उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वहाँ से तुरंत वो हाथों से जो ड्रिप लगी हुई होती है उसको हटाती है और वहाँ से उतर जाती है। जो लड़की जिससे खड़ा तक ना हुआ जा रहा होता है वो ड्रिप निकाल के खड़े होने की कोशिश में वो भागती है दरवाजे की तरफ और पैर से लड़खड़ाते हुए और जाती कहती है कि मॉम मॉम। वो जब मॉम मॉम चिल्लाती है तो उसकी माँ आती है और कहती क्या हुआ कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो, और तुम उसके हाथों से जो उसने और ड्रिप निकाली हुई होती है उसके हाथों से ब्लड आ रहा होता है। देखिए ये क्या कर रही हो तुम। हाँ वो गुस्सा होके बोलती हैं और कहती मॉम आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे ये बोला कि मीरा ठीक है पर वो तो ठीक है ही नहीं। मॉम आपने क्यों मुझसे झूठ बोला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे मॉम। तो कहती हैं कि बेटा तुम प्लीज़ अपनी तबीयत को संभालो। कहती कि मेरे को अगर मेरा कुछ हो गया ना मॉम मैं अपना जान दे दूँगी मॉम प्लीज़। तो इधर से इनके डैड का किया के डैड का फ़ोन आते हैं उनके मॉम पे तो वो कॉल उठाती है कहती जी। तो कहती उधर से आवाज़ आती है कि तुम दोनों कहाँ हो, तो वो बोलती है कि हम हॉस्पिटल में हैं। तो कहते हैं कि क्यों क्या हो गया, तो वो किया को चक्कर आ रहे थे तो डॉक्टर के लिए दिखाने के लिए आए थे। तो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ मैं। कहते हैं नहीं हम कुछ देर में आ रहे हैं आप परेशान ना हो, आते हैं हम। तो वो ऐसा बोल के कहती कि आप चेंज कर लीजिए तब तक हम आ जाते हैं। फिर वो उस टाइम किया को संभालती है और कहती है कि देखो किया अगर तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो तुम्हारे डैड को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम जो सोच रही थी कि वक्त रहते सारी चीज़ों को संभाल लोगी तो इस हालत में तुम कुछ नहीं संभाल पाओगी, तुम खुद को नहीं संभाल पा रही हो तो तुम मीरा को क्या संभालोगी। हाँ और ये नहीं होता है कि अगर अपने प्यार की तबीयत ख़राब हो तो साथ में हम ही कर लें, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी किसी चीज़ की नीड होगी तो किससे कहेगी और कौन है उसके पास। तब तक ऐसे वो उसकी माँ बोली रही होती है तब तक वो उसी गैलरी से अर्जुन गुजरता है और कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है मॉम। हाँ ये कब आया मुझे बताया किसी ने क्यों नहीं, और ये इसकी हिम्मत कैसे हुई हो। पीछे उसके जाती है और उसकी माँ रोकती रहती है कहती कि रुको बेटा। तो कहती कि मॉम ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे मीरा के आसपास भी ये पसंद नहीं है। तो कहती हैं कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, तो कह रही हैं कि मॉम ये वही है ये हमारे बीच में दरार डालने वाला। तो जो हमारी किया होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं इस बात से कि उसको किसी ने बताया नहीं, ऊपर से मीरा की कंडीशन क्रिटिकल है। धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने की जगह पर और बिगड़ रही होती हैं कि या खुद पर कंट्रोल खो रही होती है, उसकी तबीयत और ख़राब हुए जा रही होती है, मतलब सब अलग थलग हुए जा रहा होता है। इधर इसके पिताजी किया के फ़ोन किए जा रहे होते हैं, उसकी माँ परेशान कि वो कैसे सब कुछ सिचुएशन को संभाले और मेरा ये कंडीशन सुधर ही नहीं हो रही होती है। उसकी माँ रोए जा रही होती हैं और जो हॉस्पिटल का मंदिर होता है वहाँ पे बैठ के बस भगवान जी को बस कह जा रही होती है कि मीरा को प्लीज़ ठीक कर दे। इधर अर्जुन कहीं ना कहीं अपनी उसकी ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है और ये चीज़ किया को पसंद नहीं आ रहा होता। खैर इस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने। फिर आगे ये होता है कि हमारी जो मैडम किया होती हैं वो खुद को समझाती हैं कि उनको खुद को बीमार नहीं करना है, उनको स्ट्रांग रहना है और मीरा को ठीक करना है। अगर मीरा को ज़रूरत लगी तो ये अर्जुन यहाँ पे बैठा हुआ है और वो कहीं ना मीरा को उससे छीन ना ले। ये चीज़
देख के वो कोशिश करने, मतलब वो होता है ना कि कोशिश जारी करती है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और वो अपनी मॉम के बात मान के फिर एडमिट हो जाती हैं। और फिर उस गैलरी से हमारी जो किया कि मॉम होती हैं वो बाहर आती हैं और कहती हैं कि अभी तो मैंने गीता को बोलते हैं कि सिचुएशन संभाल लेगी, तो प्लीज़ आगे ध्यान रखना कि कुछ ना हो और सब ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि जी भाभी, मुझे इस लड़के के बारे में पता करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और कैसे। तो उसकी मॉम फिर जाती हैं, डॉक्टर से मिलती हैं। अब वो किया से इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि किया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं। खैर, मगर इस वक्त दाव तो मीरा पे लगी होती हैं, ज़िंदगी के दाव पे मीरा लगी होती हैं। अब मीरा जो होती हैं वो अपनी आंखें खोल ही नहीं रही होती हैं। कोशिश बस एक बार वो आंखें खोलें और सब ठीक हो जाएगा। अब मीरा के लिए किया रोए जा रही होती, किया जो होती हैं बेहद अपनी ज़िंदगी और भगवान जी से शिकायतें कर रही होती हैं कि हमेशा मैं जब भी खुश होती हूँ आप मेरी चीज़ें छीन लेते हो, आप बहुत गंदे हो, भगवान जी आप बिल्कुल मुझ पे दया नहीं आती, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। वो उससे जो बन पड़ता है वो हज़ार शिकायतें भगवान जी से करती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि अभी नहीं तो मीरा ठीक हो ही जाएगी। और पहले सबसे पहले वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है कि जल्दी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और अब समय कहीं ना कहीं अब सब पे भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि मीरा जो होती है कौन, मतलब हो ही नहीं हो रहा था कि कुछ हो ही नहीं, हो मूवमेंट ही नहीं हो रही होती उसके बॉडी में। फिर जैसे ही ये 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ये घंटे जैसे बीत रहे होते हैं, इनके दिलों में एक अलग सा डर बना जा रहा होता है कि अभी नहीं आगे क्या होगा, अभी नहीं आगे क्या होगा। और सब प्रार्थना किए जा रहे होते हैं, सब प्रार्थना किए जा रहे होते हैं, सब सब अब भगवान जी से प्रार्थना किए जा रहे होते हैं कि मेरा बच्चा है और मेरा ठीक हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो प्रे कर रही होती हैं हमारी किया होती हैं, क्योंकि अब उनके दिल में मीरा को खोने का डर बैठ चुका होता है और उन्होंने भगवान जी से जो प्रॉमिस कर दिया होता है। थोड़े वक्त में उधर से डॉक्टर को नर्स चिल्लाते हुए आती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो कहती है कि क्या हुआ, और पेशेंट को होश आ गया, डॉक्टर चल के देख लीजिए। तो डॉक्टर जैसे ही आते हैं और वो चेक करते हैं मीरा को, और चेक करने के बाद सब कुछ सारे प्रोसीजर होने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और बाहर आते हैं कि देखिए पेशेंट खतरे से बाहर है, पेशेंट खतरे से बाहर है। तो सबसे पहले जो गीता होती हैं वो किया के पास जाती हैं, वो दूसरे वार्ड में होती है और मीरा दूसरे वार्ड में होती हैं। तो जाती हैं और बताती हैं कि किया मीरा ठीक हो गई है। तो कहती है सच्ची, अरे मतलब पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, उसको होश आ गया है, अभी वो खतरे से बाहर है। तो कहती कि हाँ मैं समझ गई ना, तो आप बताओ ना वो ठीक है अभी, वो मुझे पहचान लेगी ना। तो कहती कि हाँ क्यों नहीं पहचानेगी। तो फिर ये सारी चीज़ें होती है और उस सिचुएशन में, उस टाइम में, उस दौर में हमारी जो मीरा होती है वो अपने पैर को मूव कर रही होती है, तो मूव नहीं हो पा रहा होता है। तो डॉक्टर से बोलते, डॉक्टर मेरे पैर
तो उस वक्त वो मास्क लगे होने की वजह से, ऑक्सीजन मास्क लगे होने की वजह से डॉक्टर उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। फिर धीरे से उनके मास्क हटाने के बाद वो सुनता है उनकी बातों को, तो वो उनके पैर में मूवमेंट हो ही नहीं रहे होते हैं। तो कहते हैं शायद हो सकता है कि आपको अभी डाइजीपाम के एक्स्ट्रा डोजेज दिए गए हैं, तो शायद हो सकता है कि उसका रिएक्शन हो जिसके वजह से आप अपना पैर नहीं हिला पा रही हैं। आप रिलैक्स रहिए, सब ठीक होगा। तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि कहीं कुछ। फिर वो एग्ज़ामिन करता है उनके पैरों को, फिर पूरे अच्छे से एग्ज़ामिन करता है, और फिर कुछ थेरेपिस्ट को बुलाता है, उनसे एग्ज़ामिन कराता है डॉक्टर, और इधर किया काफ़ी खुश होती हैं। बस मीरा होश में आ चुकी होती हैं, और पहला नाम जो ली होती हैं वो किया का ली होती हैं, और किया मीरा से मिलने के लिए जा रही होती है, और वो दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे को फेस करने के लिए इतना बेताब होते हैं कि बस अब उनसे सब्र नहीं हो रहा होता है। वो किया जल्दी से चाह रही होती कि वो मीरा से मिल लें, और वो व्हील चेयर पर बैठती हैं, और वहाँ से जो नर्स होती है हमारी किया को लेके जाती हैं, और किया को जब लेके जाती हैं तो वो काफ़ी मन ही मन खुश हो रही होती है, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, और उस वजह से वो काफ़ी खुश भी दिख रही होती हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या बना क्या बिगड़ा वो मायने नहीं रख रहा होता है, मगर हाँ बस मीरा होश में आ गए हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, और बस अब भगवान को वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही होती हैं। जाती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के बाद उन दोनों की आँखों में आंसू जो भरे हुए होते हैं वो बहने लगते हैं, और ऐसे सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि वो किस कंडीशन में आ पहुँचे हैं, और आंखों से आंसू बह रहे होते दोनों के। बस फ़र्क इतना होता है कि जो इमोशंस होते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के समझ रहे होते हैं कि वो किस सिचुएशन से, किस जगह से, किस तरीके से, किस दर्द से गुज़र रहे हैं। बस वो एक दूसरे के इमोशंस को फील किए जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे सुनेंगे कल या परसों। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।